गांव में बड़ा हादसा, सो रहे थे लोग तभी 7 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, आग लगने से 8 की मौत, 51 घायल। गोरेगांव में लगी आग में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए का करेंगे मदद, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरेगांव में आग लगने की घटना पर जताया दुख, साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का किया ऐलान। सरकार के पास मनोरंजन के लिए पैसे हैं लेकिन मरीजों के इलाज के लिए पैसे नहीं, उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना। कोरोना के दौरान दवाइयों की कोई कमी नहीं हुई, हमने कोने कोने तक दवाइयां पहुंचाई, उद्धव ठाकरे का बयान। एनसीपी को लेकर आज चुनाव आयोग में सुनवाई, पार्टी सिंबल को लेकर आज दोपहर 3 बजे होगी सुनवाई। नांदेड़ में मरीजों की मौत के बाद उद्धव ठाकरे की बड़ी मांग, शिंदे सरकार की सीबीआई जांच हो। आदित्य ठाकरे ने सीएम शिंदे पर किया हमला, शिवसेना तोड़ने से पहले शिंदे ने रोते हुए पापा से कहा वो मेरे बेटे को जेल में डाल देंगे। गोरेगांव में इमारत में लगी आग पर मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा मुझे लगता है कि राजनीति में जब विपक्ष के खिलाफ कुछ मिलता नहीं तो फिर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। थाने में संजय राउत के छोटे भाई सुनील राउत को क्राइम ब्रांच का नोटिस, ठाकरे ग्रुप की चिंताएं बढ़ी। विधायक के चले जाने का मतलब यह नहीं कि पार्टी चली गई, चुनाव आयोग सही फैसला देगा, जयंत पाटिल का बयान। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री को नांदेड़ जाना चाहिए था, राज्य सरकार में दलाल बैठे हैं, उद्धव ठाकरे ने उठाया सवाल। बॉम्बे पुलिस ने दवा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, नासिक में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुंबई नगर निगम कमिश्नर का बड़ा दावा, गोरेगांव में 8 लोगों की मौत आग की वजह से नहीं हुई, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। सपा नेता अबू आजमी पर आरोप, वाराणसी से मुंबई तक हवाले के जरिए मिले 40 करोड़ रुपए। मुर्दों की खोपड़ी से मक्खन खाया, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोलने का हक है, बावन कोले का उद्धव ठाकरे से सवाल। एनसीपी नेता जितेंद्र हवार पर भड़के, अन्ना हजारे कहा उनके खिलाफ दायर करूंगा मानहानि का केस। महाराष्ट्र के उल्लासनगर से चाकूबाजी की घटना ही सामने, पेट में चाकू लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, नाबालिग ने हमले के बाद अंदर ही छोड़ा। एनसीपी के रोहित पवार को बड़ी राहत, बॉम्बे एससी ने बारामती एग्रो लिमिटेड को 13 अक्टूबर तक परिचालन की अनुमति दी। महाराष्ट्र के कल्याण से सामने आई सनसनीखेज वारदात, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को उसी के पार्टनर ने की हत्या। एनसीपी बनाम एनसीपी संकट में अजीत पवार के साथ विधायकों पर कार्रवाई करे, ठाकरे गुट के बाद एनसीपी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। पीएम मोदी अपने मुंबई दौरे पर एक बार फिर नवी मुंबई मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। मुंबई में ड्राइविंग लाइसेंस लेने वाली महिलाओं की बढ़ रही है संख्या, अंधेरी और बोरीवली आरटीओ में 41,000 महिलाओं का वाहन लाइसेंस मिले। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की राह हुई आसान, सुरंग बनाने में मिली सफलता।